केन्द्र क्याबिनेट्रे चाषी स्वार्थे बड़ निष्पत्ति केन्द्रीय योजन समस्त पैक्सर हेब डिजिटाइजेशन योजनापी 2516 कोटी टंकार व्यय अटक को अर्थनीति संबंधी केन्द्र क्याबिनेट मंजूर दे प्रधानमंत्री मोदी प्रस्ताव में जातिसंघ में आरंभ कोआलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बा प्राकृतिक दुर्विपाक मुकाबला करने भित्तिभूमि अंतराष्ट्रीय फोरम को भारत में रिहाती व्यवस्था द्वारा देश में प्राकृतिक दुर्विपाक मुकाबला करी निरंतर विकास को सुनिश्चित करने अर्थनीति व्यापार संबंधी कैबिनेट कमिटी निष्पत्ति भारत में उत्पादित होता अशोधित तैल को सरकारी नियंत्रण बाहर को नि पूर्व अशोधित तैल सरकार और सरकार मनोनीत सरकारी उद्योग को बिक्री सर्तावली को हटा दी जा पैक्सर डिजिटाइजेशन में कृषि ऋण और कृषि संबंधी आनुषंगिक कार्यकलाप को अधिक गुरुत्व दिया उपयुक्त ऑडिट व्यवस्था सह नाबार्ड सहायता रे देश में 63,000 पैक्स को एथेरे सामिल करा जिबो ओडिशा रे पैक्स रो स्वच्छता को विभिन्न समय रे विवाद लागि रहितबा बेले केन्द्र रो ए निष्पत्ति राज्य रे कृषि ऋण एवं कृषक को आनुषंगिक सहायता क्षेत्र रे बेस सहायक हेबो। भारत सरकार 1,528 करोड़ रुपया खर्च करेगी, अगले 5 वर्षों में 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज को कंप्यूटराइजेशन की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत पैक्स के कार्यों को जहां एक और कंप्यूटराइजेशन करने का काम किया जाएगा, वहीं पर इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर ईआरपी सॉल्यूशन यानी कि सॉफ्टवेयर हो या पीएमयू की सुविधा हो, ट्रेनिंग मेंटेनेंस सभी सम्मिलित हैं और एक पैक्स के कंप्यूटराइजेशन पर लगभग 3,91,000 रुपया खर्च आएगा और जो पैक्स पहले से जिनका कंप्यूटराइजेशन हुआ है उनको भी 50,000 रुपया पर पैक के हिसाब से उसको पैसा दिया जाएगा ताकि वो अपना सॉफ्टवेयर एक कॉमन सॉफ्टवेयर के रूप में बनाए और इंटीग्रेट बाकियों के साथ कर सके। इस प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन से सभी पैक्स और हमारे जो डीसीसीबी हैं यानी कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में बैंकिंग सर्विस उपलब्ध करवा सकेंगे, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और इससे सेवाएं भी ज्यादा बढ़ेंगी। इसके लिए इनके सॉफ्टवेयर और कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के बीच डाटा आदान प्रदान की व्यवस्था भी होगी और पैक्स का जो सॉफ्टवेयर है को विभिन्न गवर्नमेंट पोर्टल्स के साथ भी लिंक किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की सस्टेनेबिलिटी को सुनिश्चित करने के लिए हर 200 पैक्स के ऊपर एक सपोर्ट यूनिट बनाया जाएगा और ये सपोर्ट सेंटर्स जो हैं एक स्टेट लेवल पीएमयू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के रिपोर्ट करेंगे और राज्य सरकारें जो हैं इन कार्यों का ओवरऑल सुपरविजन करेंगी। पैक्स के कर्मचारियों को आवश्यक ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि जब तक कंप्यूटराइजेशन होगा साथ साथ में इनकी ट्रेनिंग भी हो, सॉफ्टवेयर का डालने का काम भी किया जाएगा और नाबार्ड भी इसमें एक कोर टीम बनाएगा ताकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग को वो गंभीरता से देख सके। इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी बढ़ावा मिलेगा, विशेष तौर पर किसानों को और कृषि कार्यों से जुड़े हुए विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को इसका लाभ मिल पाएगा और बेहतर सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो या डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर हो, इन सबका लाभ उनको इसके माध्यम से मिल पाएगा। पैक्स के ट्रांजैक्शन कॉस्ट में भी कमी आएगी और देश भर में पैक्स के अकाउंटिंग और एमआईएस में एक समान स्टैंडर्ड लागू किए जाएंगे। इससे कुल मिलाकर किसान और हमारे एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स के सेक्टर से जुड़े हुए लाखों नहीं करोड़ों लोगों को इसका लाभ मिलेगा। दूसरा निर्णय जो किया गया है उसके लिए अगर मैं कहूं तो वर्तमान में देश में उत्पादित 99% यानी कि 99% क्रूड सरकारी रिफाइनरीज को एलोकेट किया जाता है। ये व्यवस्था तब से चली आ रही है जब से क्रूड ऑयल का उत्पादन पब्लिक सेक्टर कंपनीज करती थी और रिफाइनरी की भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज ही करती थी। आज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में डीरेगुलेशन ऑफ सेल ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड क्रूड ऑयल को मंजूरी दे दी है। अब क्रूड ऑयल और कंडेंसेट
का एलोकेशन बंद हो जाएगा। यह निर्णय 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी होगा। निर्णय के अंतर्गत एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑपरेटर्स जो कंपनीज हैं, निर्णय के अंतर्गत जो एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑपरेटर्स के प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के वो प्रावधान जिसके तहत सरकार या सरकार द्वारा नामित संस्था और सरकारी कंपनियों को ही क्रूड ऑयल बेचने की बाध्यता थी, वो समाप्त कर दी जाएगी। अब सब ईएनपी कंपनीज अपनी फील्ड के क्रूड ऑयल को घरेलू बाजार में बेचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होंगी। यानी कि जो कंपनीज एक्सप्लोरेशन क्रूड ऑयल की करती थी, अब उनको केवल सरकारी कंपनियों को ही नहीं बेचना है, वो घरेलू बाजार में किसी भी कंपनी को बेचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगी। सरकारी राजस्व यानी कि रेवेन्यू, जैसे कि रॉयल्टी, सेस इत्यादि यूनिफॉर्म तरीके से सभी कॉन्ट्रैक्ट्स पर निर्धारित किए जाएंगे। पहले की तरह निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट की अनुमति नहीं रहेगी। सो वॉट एवर दे गोइंग टू एक्सप्लोर एंड प्रोड्यूस दैट विल बी सेलेबल ओनली इन द डोमेस्टिक मार्केट, बट दे विल हैव अ फ्रीडम नॉट ओनली टू सेल इट टू द गवर्नमेंट कंपनीज बट ऑल्सो टू एनी प्राइवेट कंपनी, दे विल बी फ्री टू डूइंग सो। यह निर्णय आर्थिक गतिविधियों को और बढ़ावा देगा, अपस्ट्रीम तेल और गैस क्षेत्र में निवेश करने को और प्रोत्साहन देगा, और 2014 से शुरू किए गए टारगेटेड ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स की श्रृंखला पर आधारित होगा। इस दौरान तेल और गैस के उत्पादन, बुनियादी ढांचे और विपणन से संबंधित नीतियों को और अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा, व्यवसाय करने में आसानी और ऑपरेटर उद्योगों को अधिक लचीलेपन की सुविधा भी इन सुविधाओं से और बढ़ेगी। सो क्लियरली इससे साफ ये पता चलता है कि तदुपरांत क्रूड के उत्पादन और रिफाइनिंग में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री की अनुमति दे दी गई है, और दोनों क्षेत्रों में प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी कार्यरत हैं, एक्सप्लोरेशन में भी और प्रोडक्शन में भी। इन बदली हुई परिस्थितियों में डोमेस्टिक क्रूड ऑयल केवल सरकारी रिफाइनरीज को एलोकेट करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। सो ऐसा करने से क्रूड ऑयल के उत्पादकों को प्राइसिंग और मार्केटिंग रिफॉर्म्स की पूरी स्वतंत्रता होगी, पूरा फ्रीडम होगा। इससे उन्हें अधिक से अधिक क्रूड ऑयल उत्पादन के लिए प्रोत्साहन भी मिलेगा। अगर मैं आज के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो 2018-19 में जो ईएनपी प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने जो एलोकेट किया था, क्योंकि सरकार के द्वारा उसको एलोकेट किया जाता है, उसके बाद तो एलोकेशन का रिफाइन कितना हुआ 2018-19 में, मात्र 71% हो पाया, और 2019-20 में मात्र 59% हो पाया। तो केवल लिमिटेड लोगों तक उसको देने की बजाय इसको ओपन किया गया ताकि लोकल क्रूड जो प्रोडक्शन है और जो एक्सप्लोर भी कर रहे हैं उसका ज्यादा लाभ यहां पर हो सके, और इंपोर्ट पर हमारी जो निर्भरता उसको भी और कम किया जा सके। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी होगा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी आएगी, ज्यादा रोजगार भी होगा, और कहीं ना कहीं जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं उसको भी और करने में ज्यादा लाभ मिल पाएगा।